हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में चलने वाला हूँ उस सफ़र पे जहाँ पर हम जा रहे हैं हमारी बुआ को उनके घर पे वापस छोड़ने के लिए, और उन्हीं खूबसूरत पलों को मैंने कैद किया है कैमरे में, और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस चैनल पे। इस वीडियो में अगले कुछ मिनट्स के लिए आपको मैं उन 48 घंटों को समेट के लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस सफ़र पे मेरे साथ में जा रहे हैं कौन कौन, आपको मिलवाते हैं उनसे भी। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इन 48 घंटों के खूबसूरत जर्नी को। मेरी बुआ है, और ये देखो हमारे साथ और कौन है। अपना नाम बताओ। नॉटी। तो ये है नॉटी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं शिवपुरी एमपी में, वहाँ पर घूमने का भी प्लान है। तो अभी क्या है, हम शिवपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जंगल देखकर तो सच में मजा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है पुराने जमाने में, बस ब्लैक कलर के कारपेट पे हम चलते चले जा रहे हैं जंगलों के बीच से। और इस रोड के ऊपर हमारे आगे वाली गाड़ी है, उसके अलावा एक दो बसें हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं, और आगे जाकर और घना हो जाएगा। देख नॉडी, ये देख, सब मिलना चाहते तो हेलो बोल। हेलो, आप सब कैसे हैं? सो गाइस, यहाँ पे देखो जंगल, उधर रोड खाली, इधर भी रोड खाली, और चारों तरफ जंगल है। और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अभी आपको ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ। आप ड्रोन शॉट एंजॉय करो, फिर आपको आगे मिलूंगा। हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं और बुआ के घर पे जाकर आ भी गए हैं, खाना वाना भी खा लिया है। बिल्कुल घर पे ब्लॉग नहीं कर पाए हम, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी में। कहाँ जा रहे हैं अपन? सेलिंग क्लब। वहाँ जाकर क्या करने वाले हैं अपन? वो तो पता नहीं, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? नॉडी। तो नॉडी भी हमारे साथ में जा रहा है। ये देखिए, ये आ गए हमारे भाई साहब, आज इन्हीं के हवाले है आज का अपना जो भी कुछ होने वाला है, मतलब घूमने की जगह। सेलिंग क्लब में क्या क्या है देखने के लिए? बहुत सारी चीज़ें सेलिंग क्लब में, आपको हम बहुत शानदार चीज़ें दिखाएंगे, और जंगल में टूरिस्टों को रुकने के लिए जगह है वो भी बताएंगे आपको। ये देखिए, ये गाइड बन चुके हैं आप इसी बात पे। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, और ये सेलिंग क्लब है इधर अंदर की साइड में। ये देखो, इसके गेट पे खड़े हैं और अभी एंट्री अंदर करने वाले हैं थोड़ी देर में, और आपको दिखाने वाले हैं अंदर क्या क्या कसम कसम चीज़ें मिलेगी। ये क्रोकोडाइल सेंचुरी इधर ही आएगी अंदर इस साइड से भी, और अपन दूसरी साइड से चलेंगे उस साइड। अच्छा, दूसरी साइड से भी चलेंगे, उधर बोटिंग भी होगी, मज़ा आने वाला है। को पूरे जंगल के बीच में आ चुके हैं इस टाइम पे, हम पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है चारों तरफ। ये देखो गाइस, 1919 संख्या, वाह। ये सिंधिया जी के
आराम करने की चाय पीने की जगह। गाइस हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे देखो क्या गजब जगह है यार, और यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल हैं, लेकिन हम ज़ोर से नहीं बोल सकते वरना वो भाग जाएंगे। तो आपको यहाँ से दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्रोकोडाइल दिखा सकूँ। बाकी ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, ये देखो डिनर लंच ब्रेकफास्ट, और आप टूरिस्ट हैं तो ये रूम है। अच्छा टूरिस्ट के लिए रूम भी है, ये टूरिस्ट के रूम है। और अगर अभी बात होती है तो आपको जंगल के अंदर 1.5 किलोमीटर अंदर लगभग जाके आपको वो रूम भी बताएंगे। आगे देखो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि बोट तो यहाँ पर लगा तो रखे हैं, इनके लिए है, कोई इमरजेंसी के अंदर कुछ हो जाए तो ये जल्दी से बैठ के यहाँ से भी चले जाएँ। सो गाइस काफ़ी मज़ेदार जगह है, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। आप अगर देखो यहाँ पर आते हो तो ये देखो यहाँ पर मस्त इधर बैठने बैठने के लिए देखो सोफे वोफे लगा रखे हैं, यहाँ मस्त बैठो और बैठ के इन्जॉय करो। चारों तरफ पानी है, और जो यहाँ के राजा थे सिंधिया जी, उन्होंने ये खुद के लिए ये प्रॉपर्टी बनाई थी कि यहाँ पर कभी आते हैं वो बारिश के सीज़न में तो यहाँ पे शिकार विकार करने आते थे। और आप पानी तो देख ही सकते हो चारों तरफ, वीडियो कॉल करेगा। और नीचे भी पानी है, अपन बैठे उसके नीचे, वो देखो पूरा। हाँ इधर भी पानी है। अब आप ऐसा करो सिनेमेटिक शॉट्स जा करके इन्जॉय करो और देखो ये खूबसूरत जगह। ये जगह शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, और ये जिस जगह हम अभी खड़े हैं ये संख्या सागर झील है। पे राजा महाराजा अपने टाइम पे यहाँ पे शिकार किया करते थे, और ये एक तरह से क्रोकोडाइल सेंचुरी भी है यहाँ पे। शिवपुरी वैसे देखा जाए तो भगवान शिव के ऊपर इसका नाम रखा गया है, शिव की नगरी बोलते हैं इसको। और जिस जगह हम खड़े हैं हमारे पीछे देखें आप, ये माधव नेशनल पार्क है, ये ओपन टाइगर सफारी है।